मेरे ख्याल से जब मेरी दादी की बुआ की मासी के बेटे की शादी थी तब अच्छी ठंड पड़ी थी। अरे चल तुझे कैसे पता? अरे उसकी दादी ने बताया होगा ना। अरे फिर उसकी दादी को किसने बताया? अरे उसकी दादी की बुआ ने बताया होगा। दादी की बुआ को किसने बताया? अरे उसकी दादी की बुआ को उसकी मौसी ने बताया होगा। अच्छा तो उसकी दादी की बुआ की मौसी को किसने बताया? अरे उन्हीं की तो बेटे की शादी थी। अरे असली ठंड तब पड़ी थी जब सनी देओल ने अपना 2.5 किलो का हाथ अमरीश पुरी को मारा था। कैसा कांप रहा था बेचारा। हाय ये कैसा मौसम है, कपड़े पहनते ही गीले हो जाते। अरे भीगने का मजा तो बारिश में है, पसीनों में नहीं। ओह माय गॉड कितनी गर्मी है। ड्राइवर मेरी गाड़ी पेड़ के नीचे ही खड़ी है ना। हॉट केस मत बना देना। यस मैम। ओह माय गॉड ड्राइवर मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी गाड़ी पेड़ के नीचे ही खड़ी करना। मैम यहाँ तो 2 ही पेड़ है, उन पेड़ों के नीचे भी गाड़ी खड़ी करने के लिए पहले से ही लड़ाई हो रही है। मुझे तो घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, मैं पेड़ से ही मांग लेती हूँ। हाँ ले लो पर पेड़ लगा देना। ठीक है मैं कल लगा लूंगी। मुझे दवाइयाँ बनानी है, उसके लिए मैं पेड़ से उसकी पत्तियाँ और उसकी जड़ी बूटी मांग लेती हूँ। हाँ ले लो पर पेड़ लगा देना। हाँ कल लगा दूंगी। मेरा फल खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो मैं पेड़ से ले लेती हूँ। हाँ ले लो पर पेड़ लगा देना। ठीक है मैं कल लगा दूंगी। अरे यहाँ तो पेड़ हुआ करते थे, कहाँ गए? अरे मुझे तो घर बनाना था, और मुझे तो दवाइयाँ बनानी थी, और मुझे तो फल खाने थे। सबको पेड़ चाहिए पर किसी को लगाना नहीं। सब पेड़ काटते हैं पर कोई आगे सोचता है? ऐसे ही तो पेड़ नष्ट होते हैं और सारे जगह सूखा पड़ जाता है। तभी तो बाढ़ आती है और हरियाली खत्म हो रही है। पेड़ ही जीवन है। पेड़ हवा लेकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, और इसी ऑक्सीजन को हम खींच के जी रहे हैं। और बाबा रामदेव का कपाल भाती भी तभी असर करेगा जब हवा में शुद्ध ऑक्सीजन होगा। आओ हम प्रॉमिस करते हैं कि पेड़ लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। Thank you.